ओए मुन्ना, मेरा तो दिमाग खराब है यार, क्या करूं मैं। ए भैया, क्या हो गया? ओए जब से कमला छोड़ के गई है ना, तो मुन्ना मेरे को दिन में चैन नहीं है। ए भैया ये क्या? लगता है कमला का जादू भैया कुछ ज्यादा खतरनाक है। अगर कमला गई ने भैया इस बार तुम्हारा गले ही थाप देगी। ओए ऐसे मत बोल मुन्ना, मेरा दिल टूट गया। ओए कोई ऐसे लड़के मिले थे जो कि मुझे लाइक कर रहे थे। ए भैया वो तुम्हारी बहन थे। ओए कैसी बात कर रहा है आप, जो भी हो मुन्ना। ओए मुन्ना मुझे यकीन नहीं होता वो चुड़ैल निकली। ए भैया तुम्हें चुड़ैली पसंद कर सकती है। ओए ओए बेइज्जती पे बेइज्जती। ए आ, अरे यार ये गेट कौन खटखट? अरे यार जल्दी देख के आओ, ये लगता है कमला चुड़ैल फिर से आ गई क्या। ए अगर चुड़ैल होगी तो गेट खटखटा के क्यों आएगी? वो डायरेक्ट आ जाएगी ना। सेंचन भी कैसी बात करता है यार, कमला कोई मेहमान थोड़ी थी। ओके गाइस, कमला चुड़ैल अभी अपने घर से जा चुकी है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ गई है। हमें डर है कि रात में फिर से वापस ना आ जाए। लेकिन ये क्या चल रहा है? ए ये क्या? अरे तुम्हें किसने बुलाया, किसी का बर्थडे है क्या? ए इतने सारे लोग यहाँ पे क्या करने आ गए? आओ डाकू जी के हो गए, हमें अपने घर में जगह दे दे। ए थोड़ी सी जगह दे दे। ये क्या वो है क्या? जगह दे दूँ? और इतने सारे, अरे माइकल लेस्टर, बॉब यार, पपलू टपलू, और भाई एवेंजर्स भी आ चुके। ए यार योर साथ में नोबिता भी आया भाई साहब। इतने सारे लोग मेरे घर में क्या करने आए हो? ए भंडारा हो रहा है क्या? सारे के सारे आ गए? आओ नहीं रे नहीं रे, हमें कमला से डर लग रहा है, वो हमारी डाकच की कर देगी। अरे यार हल्क तुम्हें भी डर लगता है क्या? अरे हल्क को भी डर लगता है कमला चुड़ैल से, वो मुझे भी मार देगी। ए ये क्या? यहाँ पे टपलू भी आ गया। अरे भेड़ो अपन को भी जगह दे रहे भेड़ो। अच्छा ठीक है गाइस, सर यहाँ पे नोबिता भी है। नोबिता तुम क्यों है यार, डोरीमोन तो तुम्हारे साथ होगा। अरे नहीं यार, डोरीमोन तो चले गया है शहर के बाहर, और मैं घर में अकेला था तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैं भी आ गया। अच्छा ठीक है गाइस, सर भैया भैया ऊपर आओ। ओए क्या हो गया मुन्ना? ए भैया जल्दी से ऊपर आओ यहाँ पे। ओए ये क्या, बाप रे बारात जा रही है, किसी की शादी में जाना है? हे भैया शादी में नहीं जाना, लेकिन ये लोग सारे के सारे भैया कमला के खौफ से डरे पड़े हैं। ओए क्या बात कर रहा है मुन्ना, तो क्या करें, इनका भूत उतार दे क्या सबका? ओए मेरे पास इलाज है, डंडे डंडे सब मैं मार के उतार दूंगा। हे भैया इनका भूत नहीं उतारना है भैया, इनको अपने घर में जगह चाहिए। इनको लगता कि हमने कमला को मार के भगा दिया अपने घर से। ओए कमला को कौन मारेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे यार भैया कैसी बात कर रहे हो भैया, वो चुड़ैल है चुड़ैल भैया, अब तो मान जाओ यार। अबे भाई मैं सही बोल रहा हूँ यार, क्या यार हमें अपने घर में जगह दे दे, नहीं तो कमला हमें मार देगी यार। ओए ठीक है तुम लोग हमारे घर में रह तो सकते हो, लेकिन सबको काम करना पड़ेगा। ओए किसी का काम होगा झाड़ू लगाना, किसी का बर्तन धोना। ए भैया ये क्या? ओए हाँ मुन्ना यही होगा, ओए जो घर में रहेगा वो काम करेगा। अरे यार भैया ओए मैं एक चीज़ बताता हूँ, कमला के बारे में कोई भी नहीं जानता। ये भैया क्या? ओए जो भी उससे आँख मिलाता है ना वो उसी को मारती है, तो कोई भी उससे आँख नहीं मिलाएगा अगर वो आ गई तो। ये सही कहा। ए वैसे भैया ये मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, काइजर वो कमला है क्या? ओए मुन्ना कमला आ गई क्या? ए भैया तुम इतना खुश क्यों रहे उसे देखे? ओए नहीं नहीं ए दोस्तों यहाँ पे कमला आ चुकी है, कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और ना ही कमला से आँख मिलाएगा। कमला बहुत ज़्यादा ट्राई करेगी अपने साइड अट्रैक्ट करने की, और जिसने भी कमला से आँख मिलाई उसका तो गेम बच जाएगा। तो कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और सब अपनी आँखें बंद कर लो, वैसे बंद तो होगी नहीं किसी की, मुझे पता है सारे डरेंगे। एक काम करो सारे सामने देखो भाई, आँख नहीं मिलाना, और कमला पीछे से बुलाए तो सुनने का नहीं, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा। ओए मुन्ना सही कहा, चल ठीक है। ओए मुझे लगता नहीं कि ये लोग मानने वाले मुन्ना, कमला बहुत ही चालाक है, वह किसी का भी अपने वास में कर सकती है। अच्छा भैया ये बात है क्या? ओए सही कहा मैंने। अच्छा गाइस सर यहाँ पे पता चलेगा। कमला इज बैक, मैं आ चुकी हूँ अपना नाश्ता डिनर करने के लिए दोबारा से। आज तो काफी ज्यादा लोग एक साथ मुझे मिल गए, किसको शिकार बनाऊ अपना, किसको पहले मारू, किसकी आत्मा को सबसे पहले कंट्रोल में करूं। आओ डाक गज के, मारे तो पैंट गेले पेले हो रहे हैं उसके आवाज सुन के। माइकल इधर आओ, देखो तुम्हारे पीछे बहुत पैसे। अरे मैं तो एक बार मर चुका हूँ, दोबारा नहीं मरना है मुझे कमला, तुम खा विमल पान मसाला, हम नहीं पे हमारे झांसे में आएंगे।
ये क्या, माइकल तो फंसा ही नहीं। अच्छा मैंने इसको एक बार मार दिया था ना इस वजह से। चलो कोई नहीं, किसी और पे ट्राई करती हूँ। आओ उन डाकच की किसका नंबर है इसका इसका? अरे हल को बुला रही है वो, हल तो जाएगा भी नहीं सुन के। हल की तो वैसी एकदम चड्डी वड्डी सब बड़ी बड़ी है। किसको बुलाऊं? नोबिता, नोबिता, तुम्हें गैजेट चाहिए ना, जान से बदला लेना है तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई गैजेट नहीं चाहिए। डोरीमोन मुझे बहुत गैजेट देता है, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। मुझे जियान से बदला लेना है, लेकिन मैं जियान को बदला लूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं जियान को मारूंगा। ये क्या, ये तो पहले से बहुत फट्टू निकला। अभी मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ये लोग तो मेरे झांसे में नहीं आ रहे, अब इनको कैसे मारूं समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, किसी और को जल्दी से ट्राई करती हूँ। यहाँ पर कौन है सबसे? छोटू, अरे छोटू पैसा ले रहा है क्या रहा? तेरे को बहुत सारा पैसा देगी मैं। अरे मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। अरे बाबा रे, मेरे को जिंदा रहने का, अभी मरने का नहीं बिड़ो। ये क्या, इसको भी पैसा नहीं चाहिए? ये तो बहुत ही ज्यादा लालची है, लेकिन आज इसने भी मना कर दिया। अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, खाने का लालच देती हूँ। पक्का खाने वाला कोई ना कोई यहाँ पे होगा। तुम्हें मैं दूंगी बहुत सारे आयरन मैन के सूट। पीछे आओ, पीछे देखो। अरे नहीं नहीं, आयरन मैन के सूट तो मैं खुद ही बना सकता हूँ, और मेरे को तुमसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे मरना थोड़ी है। ये भी नहीं माना। चलो अब लगता है कि मुझे यहाँ पे सबसे मोटा कौन है? हल्क बॉब हो रही है। ये कौन है? इसको तो मैं नहीं जानती, अभी बहुत मोटा दिख रहा है। ये काम करती हूँ, इसी को मैं लालच देती हूँ खाने का। शायद से ये मेरे खाने के लालच में फंस जाए। अरे मोटे, आओ डाकू जी के, क्या हो गया? मेरे को कोई खाना नहीं चाहिए। बहुत सारा खाना है, पीछे देखो तो, मोमो समोसा बर्गर सब कुछ रखा है तुम्हारे पीछे, देखो जल्दी। आओ मुझे नहीं खाना है, मुझे जीना है। डाकू जी की वैसे मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, लेकिन आज नहीं कल खाऊंगा। इचके अरे जल्दी देखो, पीछे बहुत सारा खाना रखा है, समोसा जलेबी पता नहीं क्या क्या रखा है इधर। आई काम करती, इनको खुशबू सुंघाती हूँ तब मजा आएगा। अरे बाबा, रे बाबा अपन ने बहुत दिनों से नहीं खाया। अरे बाबा अभी मेरे को तो इतना बढ़िया खुशबू लग रहा है कि कहा बताए मैं। अरे बाप रे, अरे छोटो मेरे को तो ये खुशबू खींच रही है। अभी मैं क्या करूं, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अरे मेरे को जाना ही पड़ेगा खाने के लिए, मेरे तो लारी टपक गए। रे बाबा अभी मैं जाएगा खाना खाने के लिए, किधर है खाना? ए क्या नाम है तेरा? विमला, आप उनको खाना दे रहे? बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही ला, खाना किधर है? ए बाबा मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है। अरे दे दे जल्दी से खाना। तुझे खाना नहीं, तुझे तो अब मौत मिलेगी। आखिरकार तुम मेरी जाल में फंस गए। अरे बाबा, रे बाबा कैसे जाल में फंस गया? अभी मेरे को खाना दे, फिर देखते आगे क्या करना है, फिर मेरे को मार लिया बेशक। खाना नहीं, तुझे तो मैं मौत दूंगी, मौत। अरे बाबा रे, बचा ले बचा ले। ए ये क्या, अरे यार ये मोटू फंस गया जाके। अरे बाप रे बाप, मुझे डाउट था मोटू कहीं ना कहीं खाने के लालच में आगे पहुंच ना जाए। हे दोस्तों, आखिर में यही हुआ, मोटू वहां पे पहुंच गया खाने की लालच में। अरे बाप रे, अरे मेरे मोटू को बचा ले भाई बिड़ू, तू ये कुछ कर सकता है होगी? अच्छा यार रुको रुको यार, ये क्या गड़बड़ कर दी। अब क्या करूं भैया, मुन्ना अब तो कमला उसको मार मार के भूत बना देगी। ए कमला, मेरे पास एक तुम्हारे लिए गेम है। होगी कौन सा गेम? मैं तो सारे गेम में चैंपियन हूँ। मैं एक शर्त रखता हूँ, अगर इस गेम में हम लोग जीतते हैं तो तुम मोटू को छोड़ दोगे, अगर हम लोग हारते हैं तो हम सारे के सारे लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, सही में क्या? एक के साथ इतने सारे गुलाम मिलेंगे? चलो ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं तो सारे गेम में चैंपियन हूँ, चैंपियन। ठीक है ठीक है। चलो गाइस यार यहाँ पे सर तो मान गए, लेकिन तुम पावर यूज नहीं करोगी, पहली बात ये गेम की कंडीशन है। हाँ ठीक है ठीक है।
ओए मुन्ना क्या बात करके आया तू कमला से? ए भैया मैं बात करके आया कि हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें भैया अगर हम जीतेंगे तो भैया वो मोटू को छोड़ देगी और हम लोग हारते तो वो हम सबको सबको गुलाम बना लेगी। ओए ये कैसी शर्त मान के आ गया गजा गई का? ए भैया अब जो हो गई डील फाइनल हो चुकी है। ए आई होप यार आप लोग भी रेडी हो जाओ। ओए मुन्ना कौन सी गेम है ऐसे ये तो बता दें। ए भैया हम खेलने वाले छुपन छुपाई। भैया छुपन छुपाई का पता ना मैं कितना बड़ा चैंपियन हूँ, मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता है। ओए मुन्ना ये बात तो तूने सही की लेकिन मुन्ना मुझे फिर भी डाउट लग रहा है अगर उसने कहीं हमें ढूंढ लिया तो। ए भैया नहीं ढूंढेगी, तुम लोग भी रेडी हो जाओ, अगर रेडी नहीं हुए तो वैसे भी कमला तुम लोगों को मार ही देगी, आज नहीं तो कल मार देगी। अगर तुम लोगों को मेरे घर में रहना है तो यहाँ पे तुम लोगों को ये गेम खेलना ही पड़ेगा। आओ ठीक है मैं रेडी हूँ। अरे मैं भी रेडी हूँ, मुझे भी कमला से बचना है। ओके गाइस फिलहाल यहाँ पे सारे बंदे हो चुके हैं रेडी। कमला एक काम करो, इस गेम का रूल ये है कि 10 मिनट तुम्हें टाइम मिलेगा, 10 मिनट के अंदर तुम्हें सबको ढूंढना होगा, अगर तुम सबको ढूंढ लेती हो तो तुम जीत जाओगे और हम सारे लोग अब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, समझ गए ना? ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। और एक बात बताओ, मैं भी इंडिया से आती हूँ तो मुझे भी पता है छुपन छुपाई कैसे खेलते, गांव में तो मैं एक नंबर की चैंपियन थी। अरे ये क्या, हाँ ऐसे कैसे हो सकता, तुम्हें ही पता क्या छुपन छुपाई? और क्या तुम्हें क्या लगा तुम्हें ही पता है क्या? अभी तो मजा आएगा, वैसे भी मैं तो अपने गाँव की नंबर 1 की खिलाड़ी थी। अरे बाप रे क्या हो गया? ओए मुन्ना क्या बोल रही वो? मैं भैया वो बोली कि वो भी भैया हाइड एंड सीक की प्रो थी। ओए क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया हाँ मैंने बिल्कुल सही बोला। ओए फिर तो मुन्ना गड़बड़ है यार, अब क्या करें? ए भैया क्या करें, अब तो गेम खेलना ही पड़ेगा। ओए ठीक है अब तुम सारे के सारे लोग हो जाओ रेडी, अब तुम सारे लोग मेरे बनोगे गुलाम गुलाम गुलाम, तुम सबकी आत्मा को बाहर निकाल के गुलाम बनाओगी और लॉस सैंटोस को धीरे धीरे अपने वश में करते जाओगी। अब मजा आएगा ना, जाओ छुप जाओ, मैं 100 तक काउंटिंग करूंगी और मैं जैसे ही वापस आऊंगी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। छुपाओ 1 2 3। आओ डाक दिखे जल्दी चलो, काउंटिंग स्टार्ट हो गई है, छुपने का टाइम हो गया। वो भैया पहले तुम छुपो, एक एक करके सब छुपेंगे नहीं तो पता चले सब भगदड़ मचा देंगे और कोई छुप ही ना पाए। आओ ये आइडिया सही है, चलो ठीक है हिचका हिचका, सबसे पहले मैं जाऊंगा छुपने के लिए। अरे वैसे छुपू का ए क्या, कहीं भी छुप जाओ ना जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, जहाँ खुद को छुपा सको। आओ अच्छा ठीक है हिचका हिचका, अब मैं कहाँ छुप सकता हूँ, वैसे भी अंधेरा है तो रात के अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आएगा। आओ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लाइट की रोशनी में नहीं, मेरे को अंधेरे में छुपना है जहाँ पे वो मुझे कभी देख नहीं पाएगी, हिचका हिचका और मैं बच जाऊंगा हिचका हिचका। आओ कैसे भी करके हमें यह गेम जीतना है। आओ हिचका हिचका एक काम करता हूँ, इधर तो मैं दिख रहा हूँ लेकिन ये क्या, ये तो घर के बाहर का पेड़ है, इसमें गया तो मैं हेलमेट हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ घर की दीवार के पास छुपूंगा, हिचका हिचका ये देखो ये तो होगी की प्रॉपर्टी है, चलो यहाँ छुप जाऊंगा इसके नीचे, ये भी होगी की प्रॉपर्टी में आता है हिचका हिचका। अरे यार बहुत हो गया, चलो अब मैं जा रहा हूँ छुपने के लिए, ये बॉब ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। चलो यार एक काम करता हूँ, मैं ऐसी जगह छुपूंगा, ऐसी ट्रिकी जगह पे जहाँ की वो मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगी। एक काम करता हूँ मैं इसके ऊपर ही चढ़ के इस लैम्प के ऊपर ही यहाँ पे छुप जाता हूँ और भाई वो तो पक्का मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगी, उसको लगेगा भी नहीं कि मैं बस यहीं छुपा हूँ। यह बहुत ही बढ़िया जगह है। अरे यार ना मैं जा रहा छुपने के लिए, अरे पापा मैं तो अपना सूट उतारना भूल गया, चलो कहीं नहीं सेफ्टी के साथ मैं अपने सूट में आ गया। एक काम करता है मेरे सूट की वैसे भी पावर पूरी की पूरी चार्ज है और मुझे पता है कि कहाँ छुपना है। या करता हूँ मैं, एक काम दी छत पे चिपक जाता सबसे बढ़िया रहेगा,
और उसको शक भी नहीं हुआ का। अबे भाई साहब अब मुझे जाना है जल्दी से छुपने के लिए। अरे डोरेमोन मुझे अकेला छोड़ के चले गया। अरे यार उसको पता था कि कमला भूत यहाँ पे घूम रही है लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के अकेला चले गया। चलो मैं ऐसी जगह छुपूंगा जहाँ पे वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कहीं झाड़ वाड़ में छुपक जाता हूँ। वैसे भी मुझे चश्मे में लगाने के बाद अंधेरे में नजर नहीं आता। ओए नोबिता के बच्चे छुपक जा कहीं पे जल्दी से, रोना बंद कर दे तू, मैं यहीं से देख रहा तुझे। अरे यार अब तो हल छुपेगा जाके, हल के तो छुपने की जगह भी नहीं है। हल का मतलब क्योंकि का घर तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। अरे हल तो अपने मेंशन में छुपता था, बहुत ही बड़ा मेंशन है टोनी स्टार का। तो ऐसे भी एवेंजर हाउस तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है लेकिन योगी का घर तो बहुत ही छोटा है। अब मैं कहाँ छुपूंगा इतने छोटे घर में, मुझे छुपने के लिए तो बहुत ही बड़ी जगह चाहिए होगी। अरे सुसु आया, एक काम करता हूँ यहाँ पे सुसु पहले कर लूँ। अरे यार क्या कर रहे हो नीचे, मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें दिख नहीं का। अबे मेरे ऊपर बारिश कर दी तुमने। अरे सॉरी सॉरी, अंदर कौन है झाड़ में मुझे क्या पता चलेगा कोई छुपा है यहाँ पे। अच्छा सॉरी सॉरी। अरे यार आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने नोबिता के ऊपर ही बारिश कर दी। चलो कोई नहीं, वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे यहाँ छुपता हूँ, एक काम करता हूँ। अरे यहाँ पे कौन है? अरे अरे हट जा। अरे अरे जगह क्यों नहीं हो रही? आओ क्या कर रहा है मोटू, हल कर जा, इचका इचका, मैं छुपा हूँ। अरे खुद को मारे, मुझे मोटा बोल रहा है, खुद को देखा है क्या, फुटबॉल की तरह हो रहा है। आओ यार बड़ा, अभी हल को तो छुपने के लिए कोई और जगह चाहिए होगी। एक काम करता हूँ इस जगह पे छुप जाता हूँ, ये जगह बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। एक काम करता हूँ जहाँ भी फिट आऊंगा वहीं पे जाके मैं छुप जाता हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे फिर ढूंढ पाएगा। हाँ, और मैं ही आज का चैंपियन बनूंगा और मेरी वजह से सारे के सारे लोग बचेंगे क्योंकि हल्क ही सबको जिताने वाला है, क्योंकि हल्क एक बहुत ही बढ़िया सुपर हीरो भी है। हल्क ने बहुत लोगों को बचाया है तो आज अपने दोस्तों को भी बचाएगा। ओए मुन्ना मैं जा रहा छुपने के लिए, टाइम बहुत कम है मुन्ना, उसकी काउंटिंग पूरी होने वाली है। ए भैया जल्दी जल्दी करो, अपनी अपनी जगह छुपो यार। ओए मुन्ना मैं ऐसी जगह छुपूंगा जहाँ कमला मुझे जल्दी ढूंढ ले। आ ए भैया ये क्या बोल रहे हो? ओए मजाक कर रहे हो यार? ओए कहाँ छुपू, एक काम करता हूँ मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ, ये ठीक है। ओए ये जगह बढ़िया छुपने के लिए, चलो बढ़िया ये जगह पे, अबे कमला मुझे ही ढूंढ लेगी। अरे यार चलो बहुत हो गया, अब मैं छुपने जा रहा हूँ। चलो गाइस यार मैं तो ऊपर छुपूंगा, सारे के सारे लोग नीचे छुप रहे तो मैं छत पे छुपूंगा। मुझे पता है कि कमला छत पे जरूर नहीं आएगी, यहाँ पर उसको शक भी नहीं होगा कि कोई यहाँ पे छुपा है क्योंकि सारे लोग तो नीचे पकड़े जाएंगे। अरे बेड़ू अभी अपुन छुपेगा, एक इधर अपुन को छुपने का क्या बेड़ो, अभी एक गैरेज में छुपेगा। अरे बाबा अब मेरे को भी छुपना है, अब मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाऊँगा और छुपूंगा जाकर। अरे बाबा इसके अंदर छुप जाऊँगा, ये क्या, ये तो चौप का घर है, काम करते चौप नहीं। अरे यार अरे होगी मेरी बात सुनेगी, मुझे नहीं छुपने आता यार, मैंने कभी हाइड एंड सीक नहीं खेली है। एक काम कर रहा यार मैं जा रहा हूँ अपने घर। ए ऐसा मत करो लेस्टर। अरे नहीं नहीं मुझे जान दे यार, मुझे कोई गेम नहीं खेलना है। ए ये क्या किया लेस्टर ने? अब लेस्टर पक्का हो, कमला लेस्टर को मार देगी सिंचन। अरे यार टाइम बहुत ही कम है, अरे सिर्फ एक मिनट बचा है गाइस काउंटिंग कंप्लीट करने में। ए भाई साहब मुझे जल्दी छुपना पड़ेगा इससे पहले कहीं काउंटिंग पूरी है सिंचन वहीं पकड़ा जाए। ए दोस्तों मुझे जल्दबाजी में कहीं भी जगह मिल गई, एक काम करता इसके पीछे। अरे यार ये क्या, काउंटिंग तो कंप्लीट होने वाली है, एक काम करूँ कहाँ छुपू कहाँ छुपू। अरे यार इसके अंदर ही घुस जाता हूँ। चैलेंज हो चुका है स्टार्ट और मेरा टाइम थोड़ा पहले ही हो गया क्योंकि मुझे किसी को लिपटाना जो है, इसको लगता है ये गेम से भागेगा तो मुझसे बच जाएगा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भाग रहा है बे मोटे? अरे मुझे जाने दो कमला, मुझे गेम नहीं खेलना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुझे गेम नहीं खेलना तो तुझे हमेशा के लिए मरना होगा। तुझे लगा तू भागेगा तो मेरे हाथों से बच जाएगा? कमला कभी भी किसी को नहीं छोड़ती। ये ले याहू, इसकी तो वाट लगा दी। चलो कहीं मैं वापस चलती हूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया, 10 मिनट का टाइम तो 10 मिनट से ज्यादा हो चुका है। मानो 10 मिनट मिला, अरे नहीं सर मेरे पास 9 मिनट 38 सेकंड रह चुके।
एक काम करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी मैंने ओगी के घर में चप्पा चप्पा जानती हूँ, गैरेज में चलूंगी ढूंढने के लिए सबसे पहले। हाँ। ही ही ही। इधर कौन छुपा है पीछे डस्टबिन के पास में? अरे तुम कहा ना, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चलो हेलमेट होते हो तुम, बाहर चलो। 40 सेकंड के अंदर एक बंदे को पकड़ लिया मैंने। ये हुई ना बात कमला है सबसे ज्यादा कमाल की। अरे बेड़ो, अभी अपुन तो पकड़ा गया, लेकिन तुम लोग खेलना बहुत ही जबरदस्त वाला गेम। ज्यादा ही बोल रहे क्या? अभी तू देखते जा। अब छोटू कहीं के कहाँ छुपे हो तुम लोग? तुम्हारी मौत आ चुकी है तुम्हें ढूंढते हुए। अरे इस साइड तो कोई भी नहीं, मुझे लगा यहाँ पे कोई ना कोई जरूर होगा। कोई बात नहीं, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है और मैंने एक को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे टाइम भी बहुत ही कम होते जा रहा है। मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी ढूंढना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करती हूँ। जैसे मैंने गैरेज में पकड़ा है ना, तो इस फ्लोर पे भी कोई ना कोई छुपा जरूर होगा। हाँ, किधर है, कौन है? मेरे हाथों से कोई भी नहीं बच पाएगा। कहाँ तक तुम छुपोगे तुम लोग? नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। किधर हो? इस फ्लोर पे कोई ना कोई होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस फ्लोर पे कोई ना छुपे। कोई नहीं है इधर यहाँ तो। अरे यार, मुझे तो लगा यहाँ पे कोई ना कोई होगा। ये लोग आखिरकार छुपे कहाँ पे? ये इतने भी ज्यादा नूब नहीं है जितना मैंने समझा था। इतने से छोटे घर में इतने सारे लोग कहाँ छुप सकते हैं? एक काम करती हूँ, यहाँ पे कोई दिख तो रहा है, कोई छुपा हुआ है। वैसे इतने देर से मैंने किसी को भी नहीं ढूंढा। अरे यार, यहाँ पे कोई दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कोई तो दिख रहा है। अबे ये कौन है? ये तो वही है जो कि खाने के लिए आया था मेरे पास। बाहर निकल, तुझे मैंने देख लिया है। मोटू बाहर निकल जा, बेड़े निकल यहाँ से। अरे बाबा, अरे बाबा, अभी मैं हेलमेट हो गया, मेरे को खाना कब देगी रे? तुझे खाना नहीं, तुझे मैं डंडे से मार मार के तेरा भूत निकालूंगी बाहर। अरे बाबा रे पपलू, तुम तो पहले आउट हो गए। अरे बे तो अभी आउट हो रे बेड़ो। इन दोनों को तुम पकड़ लिया, लेकिन बाद बाकी लोग कहाँ छुपे पड़े? आखिरकार ये लोग कहाँ पे है? अरे यार यार, अभी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। इस बाउंड्री के पीछे कोई तो नहीं छुपा है। याहू, अरे रे रे, किसने मारा रे बाबा? किससे टकरा गई? ए कौन है रे? बाहर निकल, चल। तू भी पकड़ा के चश्मे कहीं का? यहाँ पे इस चश्मे से मैं टकरा गई। अगर मैं पावर्स का यूज करती ना, तो दीवार को आर पार कर लेती, लेकिन बिना पावर के ही पकड़ना है। चल चश्मे, भाग यहाँ से बाहर निकल। चलो, तो इसको मैंने पकड़ लिया है। एक काम करती हूँ, घर के अंदर भी जरा चेक कर लेती हूँ, नीचे के फ्लोर में। इधर भी कोई दिख नहीं रहा है, बैठ के इधर नहीं है। ओके, इस दरवाजे के इधर। अरे ये क्या, ये किसकी टेल है जो कि दीवार से बाहर आ रही है? ये तो जानी पहचानी लग रही है, कौन है इधर? मजा ही आ गया। बाकी बेटा, अब तो तू पकड़ा गया। बहुत ज्यादा खिलाड़ी बन रहा था ना तुझे, तो मैंने बहुत जल्दी पकड़ लिया 5 मिनट से पहले ही। मुझे लग रहा था तू यो का हाइड एंड सीक का खिलाड़ी। मैं तो बहुत जल्दी पकड़ा गया, क्योंकि मैं जल्दबाजी में छुपने गया था ना, लेकिन तुम तीनों कैसे पकड़े गए? अब क्या होगा? प्रो बंदा तो पहले आउट हो गया। और बाप रे, अभी तो गए हम लोग। चलो, मेरे प्रो प्लेयर को तो पकड़ लिया है। अब कौन है और कहाँ छुपा है? इधर किसी की आवाज आ रही है, कौन है इधर? मेरा नाम ले रहा है। ओए मैडम जी, मैं हूँ जैक द फौजी। हाँ जैक जी, क्या बात है, क्या बात है? वैसे तुम मुझे काफी अच्छे लगे। ओए मैडम जी, सही कहा। वैसे मैं पकड़ा गया हूँ, अब क्या आप मुझे मार दोगी?
नहीं जी नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। चलो यार जैक जी को छोड़ती हूँ यहाँ पे। आप बात बागी को ढूंढो, ये लोग कहाँ है? मेरा टाइम बहुत ही कम हो रहा है, 4 मिनट खाली मेरे पास बचे हुए। अरे यार ये लोग कहाँ छुपे हैं? मुझे फटाफट से सबको ढूंढना होगा। इधर कोई ना कोई जरूर होगा। और ये क्या बाप, मोटे बाहर निकाल, आखिरकार तुझे भी मैंने पकड़ ही लिया। महाराजा यहू मजा ही आ गया। यहाँ पे मैंने बाप को भी पकड़ लिया, कुछ 2-3 मिनट के अंदर मैंने बहुत लोगों को पकड़ा, हाल तू भी पकड़ा गया। ओए मुन्ना क्या चल रहा है, इसने तो 2-3 मिनट के अंदर बहुत लोगों को पकड़ लिया, ऐसे तो मुन्ना हम सारे हार जाएंगे। ए भैया मुझे लगता है कि आज अपना आखिरी रात होने वाली है। ओए ऐसा नहीं हो सकता है। ए भैया अब ये बात बोले कहाँ चुपे, अभी कौन कौन रह गया? टोनी स्टार्क रह गया, माइकल रह गया, सिंचन रह गया, स्पाइडरमैन रह गया, टोटल कुल मिला के 4 बंदे रह चुके। पानी के अंदर तो कोई नहीं दिख रहा है, पानी के अंदर कोई नहीं छुपा है। चलो ठीक है, अब किधर होंगे ये लोग? किधर हो तुम लोग? कमला छोड़ेगी नहीं, तुम लोगों को खिलाएगी विमल पान मसाला और खिला खिला के मारेगी। ये क्या, यहाँ कैसी लाइट चल रही है ये? अरे इधर तो कोई लाइट ही नहीं लगी थी होगी के घर में, अचानक से लाइट कहाँ से लगी? अबे अबे ये तो स्पाइडरमैन है, अबे तू उतर नहीं जाए, चल ए चिपका पड़ा है दीवार में। चलो इसको तो पकड़ लिया, छत पे चिपका हुआ था, अच्छा मेरी नजर पकड़ गई लाइट पे, मतलब पड़ गई। चलो ये काम करती हूँ, जीने के साइड जरा चेक करके आती हूँ। जीने के साइड तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ जीने के साइड देखो कोई तो नहीं है। अरे ये क्या, अरे ये तो मेरे नाक के नीचे छुपा हुआ था। अबे ओए माइकल के बच्चे, तुझे मैंने देख लिया, ऐसा मत बन की जैसे कि तुझे मैंने देखा ही नहीं है। चलो आखिरकार मैंने सबको पकड़ ही लिया, बस एक टोनी स्टार्क रह गया, और मैंने छत पे भी नहीं चेक किया अभी तक। मुझे लगता है टोनी स्टार्क इस छत पे ही कहीं छुपा हुआ है। अरे ये किसका हेड नजर आ रहा है मुझे, कौन है इधर, बाहर निकलो टोनी स्टार्क। ये लो, मैंने तुम्हें भी ढूंढ लिया, और इसके साथ मैं गेम की चैंपियन बन चुकी हूँ। आखिरकार मैंने तुम लोगों को हरा दिया, अब मेरे इतने सारे गुलाम बनेंगे। अभी कहाँ से गेम ओवर हो गया है? अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे, अभी गेम ओवर नहीं हुआ क्या? अभी कौन रह गया है? मैंने तो सबको ढूंढ लिया, बताओ जल्दी कौन रह गया? अभी सिंचन रह गया, हमारा सिंचन। अरे यार हाँ वो रेड करे सिंचन को तो मैं भूल ही गई, ये कहाँ पे छुपा है? पूरा घर तो मैंने छान मारा लेकिन ये दिखा नहीं जब से, 1 मिनट बस रह गया, जल्दी से ढूंढ के आती हूँ इसे फटाफट से। ओए मुन्ना ये कहाँ छुपा है यार, पूरे घर में उसने ढूंढ लिया और हम लोगों को तो ढूंढ लिया। ए भैया सिंचन सबसे लास्ट में छुपने गया था, उसके पास तो टाइम भी नहीं था छुपने का भैया। ओए तो फिर ये कहाँ छुप गया? ए भैया पता नहीं, लेकिन गाइस आज सिंचन ही हमें बचा सकता है इस कमला से। नहीं तो भैया अगर सिंचन भी पकड़ा गया तो भैया हम सारे लोग भाई कमला के गुलाम बन जाएंगे। ओए मुन्ना मुझे गुलाम नहीं बनना है। ए भैया अब सिंचन के हाथों में सारा का सारा है। ओए मुन्ना, ओए सिंचन पकड़ा मत जाइयो, ओए साहब सिंचन के लिए प्रे करेंगे। ए भाई अपने अपने प्रे कर लो। ओके गाइस सर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ओए मुन्ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए दोस्तों क्या लगता है सिंचन कहाँ छुपा होगा? जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ यार सिंचन कहाँ पे है। और यहाँ पे कमला का भी टाइम आउट हो गया। ये कहाँ छुपा है, मैं हार नहीं सकती हूँ। अरे नहीं नहीं मैं हार गई। ओए ओए कमला कोई नहीं, अगली बार जीत जाना, इतना दुखी नहीं होते। ओए ए भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं यार तुम, कमला की साइड में हो गया। ओए नहीं मुन्ना मुझे कमला को देख के थोड़ा सा अजीब सा लगा। ए भैया अभी भी तुम्हारा भूत उतरा नहीं है क्या? ये आखिरकार छुपा कहाँ पे है, मुझे देखना है आखिरकार ये कौन सी जगह छुपा है,
जहाँ मैंने ढूंढा नहीं होगा। ओए मुन्ना उसको बुला जल्दी। ए सिंचैन जल्दी बाहर निकलो, हम लोग जीत चुके हैं। ए अपनी जान बच गई भैया। ओए मुन्ना ये कहाँ छुपा है वैसे, मुझे भी जानना है। ए दोस्तों आप लोगों ने कुछ लिखा कमेंट के अंदर, सिंचैन कहाँ पे छुपा है? ओए मुन्ना सिंचैन को बुला जल्दी। ए दोस्तों ये डस्टबिन अपने आप हिल के यहाँ पे क्यों आ रहा है? ओए मुन्ना ये कौन निकला डस्टबिन से? अरे यार मैं हूँ जैक भैया और सहयोगी भैया, ये देखो मैं तो डस्टबिन में छुपा हुआ था। ये क्या, मैंने सिर्फ डस्टबिन को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसमें से बदबू आ रही थी। ए सिंचैन अब तुम्हें नहाना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर से बहुत बदबू आ रही है लेकिन तुमने आज हमारी जान बचा ली। कोई डस्टबिन में भी छुप सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम लोग मेरे हाथों से बचते हो लेकिन मैं दोबारा आऊंगी और जब मैं दोबारा आऊंगी तो कोई भी नहीं बचेगा। ए ठीक है कमला भी 9-11 हो जाए यहाँ से। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे सिंचैन के लिए फटाफट से कमेंट में सिंचैन ओपी लिख दो, सिंचैन ने आज हमारी जान बचाई है। वीडियो लाइक करो यार।